नमस्ते, आप देख रहे हैं लल्लनटॉप। मैं हूं सोनाली। Z5 पर एक नई फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है डायल 100। हमने ये फिल्म देखी, यानी कि द लल्लनटॉप में इंटर्नशिप कर रहे शुभम ने ये फिल्म आपके लिए देखी। 1 घंटा 44 मिनट लंबी चली डायल 100 की एंटरटेनमेंट कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है, आइए आपको बतलाते हैं। कहानी मुंबई पुलिस इमरजेंसी कॉल सेंटर से शुरू होती है। यहाँ नाइट ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस अफसर निखिल सूद। पुलिस सिस्टम के हेडफोन से जनता के कॉल्स का जवाब दे रहे हैं। पर्सनल फोन से घर में पत्नी और बेटे की अनबन को सॉल्व भी कर रहे हैं। इसी बीच ऑफिस में कॉल आता है। कॉलर बाकी किसी के बजाय सिर्फ निखिल से बात करने की जिद करती है। निखिल कॉल लेते हैं। सामने कॉलर निखिल से अजीबोगरीब सवाल करना शुरू कर देती है। पहले तो निखिल को लगता है कि कोई ड्रंक कॉलर उनके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कॉलर की बातें अजीब सी भयावह होने लगती हैं। कहानी में आगे जाकर ये कॉल निखिल और उसके परिवार के लिए काल साबित हो जाता है। कैसी है फिल्म? ये इंसाफ नहीं है, बदला है। फिल्म में एक जगह ये डायलॉग निखिल सूद बोलता है। किस कॉन्टेक्स्ट में बोलता है ये नहीं बता सकते, क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन ये डायलॉग खुद इस फिल्म की तासीर की ओर इशारा करता है। क्योंकि फिल्म का प्लॉट अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की 2019 में आई फिल्म बदला से बहुत मेल भी खाता है। लेकिन अफसोस, फिल्म मनोरंजन के मामले में दूर दूर तक बदला के बगल से भी नहीं गुजरती। फिल्म का मेन कैरेक्टर निखिल सूद मुंबई पुलिस इमरजेंसी कॉल सेंटर अफसर है। आज तक फिल्मों में पुलिस के इस विभाग को ठीक से नहीं दिखाया गया है। ट्रेलर और फिल्म के टाइटल से उम्मीद लगी थी कि फिल्म की कहानी पुलिस कॉल सेंटर का ये विभाग किन कठिनाइयों से, तरीकों से, मुश्किलों और पेचीदगियों से जूझता है, इसके आसपास चलेगी। लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मतलब कि अगर निखिल सूद इस विभाग की जगह किसी और विभाग में भी होता तो कहानी में कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। डायल 100 एक सस्पेंस थ्रिलर जॉनर की फिल्म है, लेकिन फिल्म में सस्पेंस क्या था ये हमारे लिए अब तक सस्पेंस ही है। रही बात थ्रिल की, तो इस फिल्म से ज्यादा थ्रिल तो इंटरनेट उठ जाने पर गूगल क्रोम के डायनासोर वाले गेम में आ जाता है। फिल्म के शुरुआती 20 मिनट में ही सब कुछ रिवील हो जाता है और बाकी का 1.5 घंटा एकदम डल होता है। पूरी फिल्म के दौरान एक क्षण भी ऐसा नहीं आता जो रोमांचित कर सके। अब एक्टिंग की बात। निखिल सूद के रोल में है मनोज बाजपेयी। एक्टिंग में तो कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उनका ये किरदार बड़ा बांसी सा है। ऐसे किरदारों में मनोज बाजपेयी का अच्छी बुरी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। निखिल सूद जिन परिस्थितियों से गुजरता है, उन जगहों पर हम मनोज जी को द फैमिली मैन में हाल ही में देख चुके हैं, इसलिए परफॉर्मेंस रिपीटेड लगती है। कॉलर सीमा पल्लव की भूमिका निभाई है नीना गुप्ता ने। मनोज बाजपेयी के कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत नीना गुप्ता को इस तरीके के ग्रे शेड के कैरेक्टर में देखना रिफ्रेशिंग लगा, लेकिन फिल्म में उनके कैरेक्टर के पास ज्यादा करने के लिए कुछ है नहीं, सिवाय कुछ सेम ओल्ड चीजों के। बाकी नीना जी को आगे ऐसे कैरेक्टर में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। निखिल सूद की पत्नी प्रेरणा सूद के किरदार में साक्षी तंवर है, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ। साक्षी के किरदार में भी कुछ खास एलिमेंट था नहीं, लेकिन फिर भी जब भी वो स्क्रीन पर आती है अपने प्रेजेंस को दर्ज कराती है। अब राइटिंग और डायरेक्शन की बात। डायल 100 को लिखा और डायरेक्ट किया है रेंसिल डिसेल्वा ने। रंग दे बसंती और अक्स जैसी शानदार फिल्मों को लिखने वाले रेंसिल डायल 100 में वो बात लाने में तो नाकाम रहे। फिल्म का हर सीन 1000 दफा किसी फिल्म सीरियल सीरीज में देखा हुआ लगता है। निर्देशन में भी कोई खास क्रिएटिविटी नहीं नजर आती। सालों से दर्शाए जा रहे तरीकों का ही इस्तेमाल इस फिल्म में भी किया गया है। डायल 100 एक बासी फिल्म है जिसमें एक अच्छी स्टारकास्ट भी ताजगी नहीं ला सकी। मनोरंजन करने में फिल्म एकदम विफल होती है, और हमारे हिसाब से तो डायल 100 के इस कॉल को रिजेक्ट करने में कोई खास नुकसान भी नहीं है। बाकी आपका फैसला। ये रिव्यू आपके लिए लिखा द लल्लनटॉप में इंटर्नशिप कर रहे शुभम ने। मैं हूँ सोनाली, शुक्रिया।